ये भोपाल के एक डॉक्टर है और इन पर चिल्लाने वाले महाशय एक पॉलिटिशियन मैं आपको बोल चुका हूँ तो नहीं बता सकता हम तो इंसान है डॉक्टर मुझे नौकरी नहीं करना मैं नहीं करना इस इतनी तो गाली खाने तो के लिए मैं इसकी पर दे दिया मैंने मुझे नौकरी नहीं कर नमस्कार वेलकम बैक दिस इज अजीत मैं आपका स्वागत करता हूँ रियल टाइम ब्लॉग्स में सो अभी इनिशियल आपने देखा होगा एक बहुत ही डीमोटिवेटेड टाइप का वीडियो क्लिप था जिसके अंदर भोपाल से ये वीडियो था और भोपाल के एक आ, मिनिस्टर एक वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर को धमका रहे थे आज जो नॉर्मल मैं डिस्कशन मतलब बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली इन्हीं चीज पे है कि हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल के अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को जो पिछले कोरोना के टाइम पे भी आ, अपने घर बार को छोड़ के हम लोग की रक्षा के लिए हॉस्पिटल्स में और हर जगह अवेलेबल थे उसके बाद फिर सेकेंड वेव के टाइम पे भी सभी हेल्थ वर्कर्स नर्स हो गए डॉक्टर हो गए कंपाउंडर हो गए जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ हैं सभी अवेलेबल हॉस्पिटल के अंदर बट बेसिकली क्या है यार वही चीज की आ, कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई उनकी जो वो मेहनत कर रहे हैं उसको कोई समझने को तैयार नहीं है राइट right. जैसे भी डॉक्टर ने भी बताया था कि तीन मतलब थर्टी परसेंट ऑक्सीजन लेवल पे वो क्या भगवान भी नहीं बचा सकते पता नहीं भगवान बचा सकते हैं बचा सकते बट एक एंड ऑफ द लेवल आप हॉस्पिटल में आते हैं बिल्कुल सिचुएशन हाथ से निकल जाने के बाद मैंने इसे पहले ही बताया था कि सिचुएशन हाथ से निकल जाती है उसके बाद हम हॉस्पिटल में आते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल में आके वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं देखिए इससे क्लिप एक है मेरे पास वो भी देखिए है जहां पेशेंट की जान जाने पर परिवार वालों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर अटैक किया और हॉस्पिटल का ये हाल करके छोड़ा ये डॉक्टर लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी जैसे ओ... आप देख लो दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर लोग पेशेंट एक्सपायर होने के बाद तोड़फोड़ कर रहे हैं भाई आप इनिशियल लेवल पे क्यों नहीं करा रहे हो चीजों को आप पॉजिटिव आप टेस्ट कराओ टेस्ट पॉजिटिव आए आप डॉक्टर को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो वो आपकी हेल्प करने को तैयार हैं बट वो चीज हम नहीं कर रहे हैं हम डर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम आ, हमारी डेथ हो जाएगी हमारे रिलेटिव की डेथ हो जाएगी ऐसा नहीं है कोई चीज आपके हाथ में है उसको कर उसको पूरा करने के लिए एक, कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए हम घर पे रेमेडीज करके घर पे चीजों को फॉलो करके काढ़ा पी के स्टीम लेके हर चीज खत्म नहीं कर सकते फर्स्ट वेव के अंदर हमारे पास पीपी किट की कमी थी मेडिसिन की कमी थी सेकेंड वेव के अंदर हमारे पास मेडिसिन पीपी किट है पर जिस तरीके से फैल रहा है थर्ड वेव के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होंगे अगर थर्ड वेव आती है तो हमें इन्हीं फ्रंटलाइन डॉक्टर्स की नर्सेस की जरूरत होगी इनकी ही अगर हमें कमी हुई तो सर्वाइवल मोड बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चीज समझना सबसे जरूरी है इंडिया के अंदर ग्यारह हजार लोगों पे एक डॉक्टर है एक गवर्नमेंट डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर होंगे बट एक नॉर्मल स्टेट्स के अकॉर्डिंग ग्यारह हजार डॉक्टर्स ग्यारह हजार लोगों पे एक गवर्नमेंट डॉक्टर बीस लाख लोगों की कमी है हमारे पास बीस लाख गवर्नमेंट डॉक्टर की कमी है कैसे फुलफिल करेंगे उस चीजों को अगर उसकी प्लानिंग आज करते हैं तो पांच साल लग जाएंगे उन चीजों को पूरा करने के लिए पांच साल देखो लेकिन अल्टीमेटली हमारे डॉक्टर्स नर्सेज और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं उनकी देखभाल करते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं कुछ तो रुको जरा सबर करो में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस आम आदमी के बजट के बाहर है गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से अगर हम आज ढूंढेंगे तो इसका रिजल्ट हम पांच सालों बाद पाएंगे वैसे एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जो अवेलेबल है उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर रहे हैं पुलिस वालों को बुला रहे हैं धमका रहे हैं उनको कहाँ से चलेंगी चीजें कैसे होगा इन चीजों का इलाज यार इतना आसान होता तो सभी डॉक्टर बन जाते एमबीबीएस करने में पांच साल नॉर्मल पांच साल तो डिग्री का टाइम है उसके बाद भी कंपटीशन इतना होता है लाखों बच्चे बैठते हैं और कुछ ही सीट्स होती हैं डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं और उनके साथ हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं अपनी गलती मानने कोई तैयार नहीं है भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कम से कम इनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो यार ये लोग अभी जिस सिचुएशन पे हैं दे डिजर्व इट नॉर्मली डिजर्व करते हैं और अभी भी डिजर्व कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है डॉक्टर्स को धमकाना हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना वैसी कमी है भाई इंडिया में और कितना करोगे तो या थोड़ा समझ में आया हो तो उसको शेयर करो लोगों को और जो यही चीजें कर रहे हैं डॉक्टर्स को ब्लेम कर रहे हैं उनको बोलो समझाने की कोशिश करो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है और इनिशियल अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है टेस्ट कराओ डॉक्टर को इन्फॉर्म करो हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करो और हाँ एक लास्ट चीज जिस वीडियो को सपोर्ट लेके वीडियो बनाई है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको देखिए उसमें ज्यादा बेटर तरीके से समझाया हुआ है लाइक करिए शेयर करिए और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करिए जितना पॉसिबल हो सके थैंक यू टाटा बाय